फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंग्लिश पोइट एसटी कॉलरिज की बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम क्रिस्टाबेल। ये पोएम हमें एक कहानी के बारे में बताती है। काफ़ी सिंपल और डिफरेंट वे में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अबाउट द पोएम, क्रिस्टाबेल इज अ लॉन्ग नरेटिव बेलेड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज इन टू पार्ट्स। क्रिस्टाबेल सैमुअल टेलर कॉलरिज की एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस पोएम में एक कहानी बताई गई है। द फर्स्ट पार्ट वॉज रेप्यूडली रिटन इन 1797 एंड द सेकेंड इन 1800। इस पोएम का फर्स्ट पार्ट 1797 में लिखा गया और सेकेंड पार्ट 1800 में लिखा गया। कॉलरिज प्लान्ड थ्री एडिशनल पार्ट्स बट दीज वर नेवर कम्प्लीटेड। कॉलरिज ने इस पोएम को थ्री पार्ट्स में कम्प्लीट करने का प्लान बनाया था बट वो इसे कम्प्लीट नहीं कर पाए थे। दोस्तों, एक बार पोएम के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस पोएम में क्रिस्टाबेल और एक चुड़ैल गेरल्डाइन के बारे में बताया गया है। ये चुड़ैल क्रिस्टाबेल पर काला जादू कर देती है और जिसकी वजह से क्रिस्टाबेल कुछ बोल नहीं पाती है। अब आगे क्या होता है, क्या क्रिस्टाबेल चुड़ैल गेरल्डाइन से बच पाती है या नहीं, यही सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। पोएम की शुरुआत होती है क्रिस्टाबेल से, जो कि एक दयालु और इनोसेंट लड़की है। इसके फादर सर लेवोलिन एक अमीर आदमी हैं। जब क्रिस्टाबेल के घर आधी रात में सब सो जाते हैं तब वह चुपके से जंगल में चली जाती है, क्योंकि क्रिस्टाबेल की इंगेजमेंट नाइट से हुई थी और इसने नाइट के बारे में कुछ बुरा सपना देखा था। इसलिए ये जंगल में ओक ट्री के नीचे नाइट के लिए प्रेयर करने गई थी, और जब ये प्रेयर कर रही होती हैं तब इसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर ये उसे ढूंढने की कोशिश करती हैं और यह देखती हैं कि ओक ट्री के पीछे वाइट ड्रेस पहने हुए एक ब्यूटीफुल लड़की रो रही थी। यह देखकर क्रिस्टाबेल को उस पर दया आ जाती है और वो इस लड़की से पूछती हैं कि आप क्यों रो रही हैं। तब वो लड़की क्रिस्टाबेल को बताती हैं कि उसका नाम गेरल्डाइन है और ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसके फादर लॉर्ड रोलैंड डी वॉक्स हैं। आगे ये बताती हैं कि उसे अपने घर से पांच लोगों ने किडनैप कर लिया था और इसके साथ मारपीट भी की। वे लोग व्हाइट घोड़े पर बांधकर उसे यहाँ ले आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वे वापस यहाँ आएंगे। दोस्तों, ये गेरल्डाइन कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि एक डाइन है जो कि क्रिस्टाबेल को अपनी बातों में उलझा रही होती है। गेरल्डाइन की बातों में आकर क्रिस्टाबेल उस पर दया दिखाते हुए उसे हेल्प ऑफर करती हैं और कहती हैं कि मेरे फादर सर लेवोलिन बहुत अच्छे इंसान हैं और वो उसे सही सलामत अपने घर पहुंचा देंगे। इसके बाद क्रिस्टाबेल उस चुड़ैल गेरल्डाइन को अपने साथ अपने महल में ले जाती हैं। इस समय सर लेवोलिन सो रहे थे, इसलिए क्रिस्टाबेल उन्हें नहीं उठाती हैं। क्रिस्टाबेल को बेडरूम के बिस्तर को सही से सेट करना नहीं आता था, क्योंकि यह अमीर बाप की बेटी थी और इसने कभी भी बिस्तर को सही से सेट नहीं किया था। इनके ये सब काम नौकर करते थे, इसलिए गेरल्डाइन को अपने बेडरूम में सोने के लिए ये बोलती हैं और प्रॉमिस करती हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये उसे अपने घर पहुँचा देगी। गेरल्डाइन के साथ उन पांच लोगों ने मारपीट की थी जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा था। क्रिस्टाबेल गेरल्डाइन के दुख को देखकर उसे शराब ऑफर करती हैं जो कि इसकी मदर ने जंगली फूलों से बनाई थी। इसके बाद क्रिस्टाबेल उसे अपनी मदर के बारे में बताती हैं कि उसके जन्म के टाइम उनकी डेथ हो गई थी। क्रिस्टाबेल यह भी बताती हैं कि उसे एक सन्यासी ने बताया था कि जब उसकी मदर मरने वाली थी तब उसने प्रॉमिस किया था कि जब मेरी बेटी क्रिस्टाबेल की शादी होगी तब रात 12 बजे जो घंटियां बजेगी उनकी आवाज़ मुझे सुनाई देगी। अपनी मदर के बारे में बताते हुए क्रिस्टाबेल थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं और कहते हैं कि काश मेरी मदर जिंदा होती और मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। गेरल्डाइन एक चुड़ैल थी और ये क्रिस्टाबेल पर काला जादू कर देती हैं जिसकी वजह से क्रिस्टाबेल कुछ बोल नहीं पाती हैं। वो गेरल्डाइन की सच्चाई किसी को भी नहीं बता पाती। ये दोनों लड़कियां नेकेड होकर बेडरूम में एक साथ टाइम स्पेंड करती हैं। ये दोनों बेडरूम में अकेली क्या करती हैं ये पोएम में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग सर लेवोलिन जल्दी उठ जाते हैं और अपनी वाइफ को याद करते हैं। इनकी वाइफ की याद में डेली घंटियां बजाई जाती हैं और इन घंटियों की आवाज़ सुनकर गेरल्डाइन उठ जाती हैं और क्रिस्टाबेल को भी जगाती हैं। इसके बाद क्रिस्टाबेल गेरल्डाइन को अपने फादर सर लेवोलिन से इंट्रोड्यूस करवाती हैं।
गेरल्डाइन उन्हें डिटेल में बताती हैं कि कैसे उसे 5 किडनैपर्स ने किडनैप किया और उसके साथ मारपीट की, और साथ ही ये अपने फादर लॉर्ड रोलैंड डी वॉक्स के बारे में भी उन्हें बताती हैं। लॉर्ड रोलैंड डी वॉक्स का नाम सुनकर सर लेवलिन इमोशनल हो जाते हैं और गेरल्डाइन को सीने से लगा लेते हैं और उससे बताते हैं कि तुम्हारे फादर और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन किसी वजह से हम दोनों की फ्रेंडशिप हमेशा के लिए टूट जाती है और हम एक दूसरे से बात करना और मिलना बंद कर देते हैं और फिर उनसे कभी भी वापस नहीं मिलते हैं। आगे सर लेवलिन गेरल्डाइन से कहते हैं कि जिन 5 किडनैपर्स ने तुम्हें किडनैप किया है और तुम्हारे साथ मारपीट की है उन्हें उनके इस क्राइम की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दोस्तों पोएम में आगे क्रिस्टाबेल अजीब हरकतें करने लगती हैं क्योंकि उस पर गेरल्डाइन ने काला जादू कर दिया था और जिसकी वजह से वह कुछ बोल नहीं पाती हैं, और यह देखकर गेरल्डाइन डर जाती हैं कि क्रिस्टाबेल कहीं अपने फादर को उसकी सच्चाई न बता दे कि वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है, और इसलिए गेरल्डाइन सर लेवलिन से अपने घर जाने की रिक्वेस्ट करने लगती हैं। सर लेवलिन अपने नौकर ब्रेसी द बार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम लॉर्ड रोलैंड के पास जाओ और उनसे कहो कि उनकी बेटी गेरल्डाइन उनके पास सही सलामत है और उन्हें अपने महल में आने के लिए इनविटेशन भी देकर आओ। सर लेवलिन को यकीन था कि जब लॉर्ड रोलैंड उनके महल में आएंगे और उन्हें देखेंगे तो सारी पुरानी बातें भूलकर उन्हें गले लगा लेंगे, ये आपस में एक दूसरे से बोलना शुरू कर देंगे और फिर वापस एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे। लेकिन ब्रेसी द बार्ड सर लेवलिन से कहते हैं कि वो लॉर्ड रोलैंड के पास नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने कल रात एक बुरा सपना देखा था। यह सुनकर सर लेवलिन डिसाइड करते हैं कि वो खुद गेरल्डाइन को उसके घर छोड़ने जाएंगे। क्रिस्टाबेल को गेरल्डाइन के चुड़ैल होने का पता था बट उसने इस पर काला जादू किया हुआ है, इसलिए वो अपने फादर को उसके बारे में कुछ बता नहीं पाती हैं। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती हैं कि गेरल्डाइन को जल्दी से जल्दी उसके घर भिजवाओ। सर लेवलिन अपनी बेटी के इस तरह के बिहेवियर को देखकर काफ़ी नाराज होते हैं और अपने नौकर ब्रेसी द बार्ड से कहते हैं कि तुम क्रिस्टाबेल का ध्यान रखो और मैं खुद गेरल्डाइन को उसके घर छोड़ने जाऊंगा, और यह कहकर वो गेरल्डाइन को छोड़ने चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पर यह पोएम कंप्लीट होती है। इस पोएम में पढ़ने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन इसमें इमोशंस को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आपको पोएम की स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।